कसौल हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सी जगह जो कि टूरिस्ट के लिए बहुत ही फेमस है और इसे इंडिया का मिनी इसराइल भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कसौल की, मणिकरण साहब और खीरगंगा ट्रैक की। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक और आपको बताते हैं कि हम वहाँ कैसे जा सकते हैं, क्या क्या साधन होंगे जाने के लिए, वहाँ आप किसकी जगह पर रुक सकते हैं और कौन से बजट होटल होंगे, कौन सा बेस्ट स्टे होगा आपके लिए, फूड आइटम्स क्या होंगे वहाँ पे, आप वहाँ पे ट्रैक कैसे कर सकते हैं या फिर कोई गाड़ी हायर करनी है तो वो कितने की होगी और वहाँ का टोटल बजट क्या होगा, और साथ ही साथ खीरगंगा ट्रैक में कितना समय लगने वाला है और कैसा है वो ट्रैक, और वहाँ खीरगंगा पे एंड पॉइंट पे क्या नज़ारा है और वहाँ रुकने की क्या व्यवस्था है। तो हम सारी चीज़ें आज साझा करने वाले हैं आपके साथ, तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हम ऐसी बहुत सारी वीडियो अपलोड करने वाले हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके मनाली का भी विजिट देख सकते हैं और रोहतांग पास की डिटेल देख सकते हैं सारी, जो कि मैंने पहले ही साझा कर रखी है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ जाने के लिए बेसिकली हमारे पास दो रूट हैं, या तो हम बस से जा सकते हैं जो कि बाय रोड है, या फिर हम बाय फ्लाइट जा सकते हैं। अगर मैं बाय फ्लाइट की बात करूं तो आपको यहां पे भुंतर का एयरपोर्ट मिल जाएगा, जो कि आपको दिल्ली से या फिर किसी और बड़े शहरों से भी यहां के लिए फ़्लाइट मिल सकता है, जिसके लिए आपको भुंतर एयरपोर्ट आना पड़ेगा और फिर यहां से आपको बस या फिर अपने लिए कैब बुक करनी पड़ेगी कसौल तक की। अगर हम रोड की बात करें बाय रोड, तो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो दिल्ली का पड़ेगा। दिल्ली या तो आप ट्रेन से आ सकते हैं या फिर आप फ़्लाइट से आ सकते हैं, और दिल्ली में आने के बाद आपको वहाँ से बस लेनी होगी या फिर आप वहां से कैब भी बुक कर सकते हैं, जो कि सीधा आपको कसौल तक लेकर जाएगा। अगर मैं बात करूं रूट की, तो ये रूट दिल्ली से सीधा भुंतर की तरफ आता है और फिर वहां से कसौल वैली की तरफ का रूट कट जाता है, जो कि मनाली हाईवे से कटता है रास्ता। आप चाहें तो वहां से आप कुल्लू में भी आ सकते हैं, कुल्लू भी आ सकते हैं, और जिसके लिए आपको हिमाचल परिवहन की बस मिल जाएगी, और कुल्लू से आप दोबारा बस चेंज करके कसौल को जा सकते हैं। कुल्लू बस स्टैंड से बस चेंज करके कसौल के लिए आपको बस मिल जाएगी, और हिमाचल परिवहन की बहुत सारी बसें यहाँ कुल्लू से चलती हैं। दोस्तों, मैंने अपनी ट्रैवल जो है दिल्ली से शुरू की थी, जो कि मैं दिल्ली से कुल्लू के लिए आया था, और ये कुल्लू का बस स्टैंड है, और यहाँ से मैंने बस स्टैंड से चेंज किया था बस, जो कि कसौल की तरफ जाने के लिए मुझे मिली थी, और यहाँ से ईजिली बस मिल जाती है, और बस का फेयर भी बहुत ही नॉमिनल है, आई गेस ये 140 के आसपास है। तो आपको इजीली ये HRTC की बसें मिल जाएंगी यहाँ पे, और बहुत ही इजीली अवेलेबल है, हर एक 20-30 मिनट्स पे यहाँ से बसें मिल जाती हैं। तो अभी हम ट्रैवल शुरू करते हैं अपने कसौल की तरफ, और अभी हम निकल गए हैं कुल्लू से भुंतर और भुंतर से फिर कसौल। तो अभी आप देखिए, हमारे एक तरफ यहाँ पूरे पहाड़ हैं और दूसरी तरफ नदी बह रही है, जो कि मनाली की साइड से आती है नदी। एंड अभी ये सड़क, क्योंकि दिन का समय है, काफ़ी सुबह हो रखी है अभी, तो ये बस काफ़ी फ्री है क्योंकि रूट पे कोई जाम नहीं है इस वक्त, और बहुत ही इजीली हम चल पा रहे हैं यहाँ पे, और वेदर का लुफ्ट उठा रहे हैं। हवा थोड़ी सी ठंडी है, लेकिन स्टिल मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा शीशा खोल के अच्छा लग रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था आपको कि कसौल को मिनी इसराइल भी कहते हैं, तो उसका एक रीज़न है इसराइल कहने का, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, जो अगर विदेशी टूरिस्टों की बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा जो विदेशी टूरिस्ट हैं वो इसराइल से आते हैं। और यहाँ एक और चीज़ आपको बता दूं, इस रूट में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है एक मलाना विलेज। ये विलेज अपने आप में ही सबसे अनूठा है, जो कि बहुत समय से अपने ही रूल्स को मानता है, और यहाँ पे अनटचेबिलिटी मानी जाती है। सुन के हैरानी हो रही होगी, लेकिन अनटचेबिलिटी मीन्स वॉट? सो एक्चुअली ये लोग खुद को सिकंदर के वंशज मानते हैं, और ये लोग एक दूसरे को नहीं छूते जो भी यहाँ विलेज से बाहर के होते हैं। तो यहाँ विलेजर्स भी इस रूल को फॉलो करते हैं और यहाँ के लोग भी फॉलो करते हैं। हालांकि मनाना जो है अपने आप में एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है, और यहाँ पे आपको इजीली बहुत सारे गेस्ट हाउस मिल जाएंगे या फिर होटल्स मिल जाएंगे। बहुत छोटा सा विलेज है और यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं, और आप रियली यहाँ का वेदर एंजॉय करेंगे और इस गाँव को एंजॉय करेंगे। तो जब भी आप इस तरफ आएँ तो एक बार अपना टूर जरूर वहाँ का बनाएं, और मलाना विलेज को भी ट्राई करें और अपने आइटिनरी लिस्ट में उसको ज़रूर ऐड करें। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हम आगे। तो अगर मैं बात करूं कि लिस्ट ऑफ प्लेसेस जो कि हम कसौल के आसपास घूम सकते हैं,
तो उसमें मैंने पहले ही आपको बताया मलाना विलेज जो कि कासौल से पहले है, और उसके बाद की बात करूँ मलाना विलेज के बाद तो वहाँ पे तोश है मरेगन साहब, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस प्लेस है जहाँ पे आप हॉट स्प्रिंग का मज़ा ले सकते हैं, और वहाँ पे जहाँ नदी का पानी एक जगह बिल्कुल ठंडा होगा वहीं पे दूसरी जगह इतना पानी गर्म होगा कि आप शायद हाथ नहीं लगा सकते, और वहाँ पे उस गर्म पानी में लोग चावल पकाते हैं और उसे प्रसाद रूप में बाद में ग्रहण भी करते हैं। तो मणिकरण साहब के बाद आप जा सकते हैं खीर गंगा ट्रैक, जिसमें लगभग आपको 2 दिन लग सकता है, हालांकि करने वाले कुछ 1 दिन में भी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन 1 दिन का ट्रैक आपके लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। तो जनरली वहाँ पे लोग 1 दिन का ट्रैक अप करते हैं जो कि खीर गंगा तक पहुँचते हैं, फिर वहाँ स्टे करते हैं रात में, वहाँ सनराइज़ पॉइंट का आनंद लेते हैं, और सनराइज़ के बाद नेक्स्ट डे वो दूसरे दिन वापस कासौल को आ जाते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं भुंतर, और हम यहां से लेने वाले हैं टर्न कासौल की तरफ। तो जैसे मैंने आपको बताया था भुंतर में है अपना एयरपोर्ट, अगर कोई यहां से आना चाहता है बाई एयर अप टू भुंतर तो भुंतर आ सकता है, और फिर यहां से उसको इस टर्निंग पॉइंट तक आना पड़ेगा अगर उसे पब्लिक कन्वेंस लेनी है तो, अदरवाइज़ वो अपनी पब्लिक गाड़ी से या कोई भी बुकिंग की गाड़ी से टैक्सी से कासौल तक की तरफ जा सकते हैं, और ये रास्ता रहेगा आगे कासौल तक जाने के लिए, जहाँ एक तरफ पूरी खाई वाला रास्ता रहेगा और दूसरी तरफ पहाड़ी, और बीच बीच में कुछ गांव आते जाएंगे। मैं थोड़ा थोड़ा सा क्लिप दिखाऊंगा आपको वीडियो में आगे वो कैसा रास्ता रहेगा, और बीच में नज़ारे भी दिखाऊंगा भाई। तो यहाँ थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद वाइब्स आनी शुरू हो चुकी है कासौल वाली, और कासौल की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, यहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी अमेजिंग है, और यहाँ पे बार वगैरह जो है वो काफ़ी देर तक खुले रहते हैं, तो अगर कोई नाइट लाइफ का शौकीन है पार्टीज़ करना चाहता है तो कासौल डेफिनेटली एक ऐसा स्पॉट होने वाला है जो वो जीवन भर हमेशा ही अच्छी यादों के तौर पे संजो के रखेगा। यहाँ आने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बताया कि हम इस टर्निंग पॉइंट से आगे जा रहे हैं कासौल की तरफ, तो कासौल में रात में एंट्री नहीं है। अगर आप दिल्ली या कहीं बाहर से आ रहे हैं तो कोशिश करिए कि शाम के 7 बजे से पहले पहले ही आप यहाँ पे टोल क्रॉस कर लें ताकि आप इजीली जा सके, क्योंकि यहाँ की जो जगह है थोड़ी सी नैरो है सड़कें, जिसकी वजह से यहाँ पे बसें वगैरह शाम के बाद अलाउड नहीं करते हैं आने को, और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको कासौल आना है तो कोशिश करें कि आप डे टाइम में ही आ सकें ताकि शाम से पहले आप कासौल तक पहुँच सकें और अपना स्टे ले सकें। आप देखिए ये खूबसूरत नज़ारा, जहाँ हमारे एक तरफ है पहाड़ और दूसरी तरफ है ये खूबसूरत शांत और शीतल बहने वाली पार्वती रिवर। आप देख सकते हैं ये नज़ारा कितना आनंददायक है हमारी आंखों को और मन को। अब हम पहुंच चुके हैं एक बहुत ही रोमांटिक सी जगह पे। आप देख सकते हैं ये नीचे नदी की धार बहती हुई, बहुत ही शांत और शीतल जल है, और इस धार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी तेज़ बह रही है। हालांकि पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा है और बहुत ही आनंददायक है। आप चाहें तो यहाँ थोड़ी देर बैठ सकते हैं, कुछ फ़ोटो शूट कर सकते हैं और थोड़ा सा इस वेदर का एंजॉय लें और फिर आगे बढ़ें। यहाँ पे ज़्यादातर जगह है जहाँ पे नदी के किनारे काफ़ी समतल जगह है, वहाँ पे लोगों ने कैंप डालने शुरू कर दिए हैं, और बहुत सारे जो एक्चुअली ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं ये ऑलरेडी कैंप यहाँ पे लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक कैंप बनाने की तैयारी चल रही है, और ऐसे आपको रास्ते में बहुत सारी ऐसी जगहें मिल जाएंगी जहाँ पे ये टेम्पररी टेंट्स लगाए गए हैं और कैंपिंग होती है, जहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी होती है, और इनके पास और भी बहुत सारे एक्टिविटी प्रोग्राम होते हैं जैसे जिप लाइन, पैरा ग्लाइडिंग। सो अगर आप कोई भी ऐसा इंटरेस्टेड है इसमें तो आप पहले से बुक करके यहाँ पे आ सकते हैं, और इन टेंटों में भी यहाँ रुक सकते हैं, नहीं तो आप कासौल मार्केट में भी जाएं और कासौल में भी बहुत सारे आपको टेंट कैंप भी मिल जाएंगे, या फिर आप अपना होटल बुक कर सकते हैं। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ कासौल, और आप देख सकते हैं यहाँ पे टेंट्स कैसे सजाए गए हैं, और यहाँ का लोकल मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे लोकल मार्केट में आपको यहाँ के लोगों द्वारा बनाए गए काफ़ी सारे हैंडक्राफ्ट की चीज़ें मिल जाएंगी,
और जो कि यहाँ के लोग, स्थानीय लोग खुद ही बनाते हैं। अगर आप मार्केट में पीछे जाएंगे तो काफी सारे लोग मिलेंगे जो ये चीजें बनाते हैं। देखिए कसौल की मार्केट, अभी सुबह का टाइम है, दुकानें बंद हैं, अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं तकरीब, दुकानें अभी खुली नहीं है। यहाँ का नजारा भी देख सकते हैं। तो अब हम कसौल से निकल रहे हैं मणिकरण की तरफ, जो कि यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है, और हम सामने चौक पे से बस लेंगे जिसका किराया 10 रुपये है। ये मणिकरण गुरुद्वारा है, यहाँ हम आ गए हैं। ये पार्किंग है, यहाँ पे 3-4 मंजिला पार्किंग है। हम गुरुद्वारा की तरफ चलेंगे। ये देखिए यहाँ पे पूरा एक तरफ गर्म पानी आ रहा है, गर्म तरफ पानी का भाप है वो। अभी जब पीछे बहुत ज्यादा त्रासदी हुई थी तो ये भी टूट गया। ये देखिए, तो जैसे ही हम इस ब्रिज से क्रॉस करते हैं, सामने है मणिकरण गुरुद्वारा। और अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक तरफ पूरा ठंडा पानी है और दूसरी तरफ पूरा गर्म, तो ये गर्म पानी जहां से निकल रहा है वहां की ज़मीन भी काफ़ी गर्म है। और आप चाहें तो गुरुद्वारे के अंदर हाथ मुंह धोने की या फिर नहाने का प्रबंध भी है, तो जिसे नहाना है वो नहा भी सकता है। तो चलिए अभी चलते हैं गुरुद्वारे के अंदर। ये हम हैं अभी मणिकरण साहब में। आप ये धुआं देख रहे होंगे, गर्म पानी का धुआं है, पर्वतों के बीच से आ रहा है, और साथ में ही ये पूरा ठंडा पानी। तो सामने आप बड़ी स्क्रीन देख रहे हैं वाटर की, ये इतना ठंडा है कि इसमें नहा नहीं सकते, और दूसरा ये धुआं उठता पानी इतना गर्म है कि इसमें भी नहीं नहा सकते। ये वास्तव में इतना गर्म है कि अगर इसको हाथ लगाएं तो हाथ एक बार को जल जाएगा। क्या प्रकृति का नजारा है, एक ही स्थान पे दोनों ठंडा और गर्म पानी दोनों आ रहे हैं, दोनों ही अपनी एक्सट्रीम में है। ये आप ये धुआं देख सकते हैं कितना तेज है। हाँ देखिए, इसके दूसरी तरफ का धुआं, ये देखिए यहाँ से ज़्यादा पानी आ रहा है, देखिए बिल्कुल दिख नहीं रहा है, ये सिर्फ गर्म पानी का धुआं है। नीचे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। यहाँ मणिकरण गुरुद्वारा के साथ में ही है एक बहुत ही भव्य शिव मंदिर। जी हाँ दोस्तों, ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही पवित्र है। अगर मैं एग्जैक्टली कहूँ तो इस मंदिर के पास में ही है ये तप्त कुंड, जहाँ से सारा गर्म पानी निकलता है। और यहाँ का एक और विशेषता कि लोग इस गर्म पानी में चावल पकाते हैं और इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तो हमने इस मंदिर के यही दर्शन किए, जो कि आपको गुरुद्वारे के अंदर से भी रास्ता है मंदिर की तरफ आने का, और ब्रिज के ये दाईं साइड पे है जब हम ब्रिज से मणिकरण गुरुद्वारे की तरफ आते हैं। तो आप चाहें तो गुरुद्वारे के अंदर से भी यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम ये मंदिर के पिछले हिस्से पे है, जहाँ पे ये नदी बहती जा रही है, और इस नदी के साथ में ही, जैसे मंदिर के जस्ट पीछे ही, ये तप्त कुंड है जहाँ से गर्म पानी निकलता है, और ये गर्म पानी भी वापस इसी नदी के जल में मिल जाता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये उठती हुई भाप जो है ये गर्म पानी की भाप है, और हम जैसे इस फर्श पर खड़े हैं तो ये फर्श भी यहाँ पे बहुत गर्म है, और इस भाप की गर्मी भी हम बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पानी का टेम्परेचर कितना ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर आप इस पानी के टेम्परेचर में आप थोड़ी देर के लिए भी पैर डालेंगे तो आपको लगेगा जैसे आपका पैर जलने लग गया है, ये इतना गर्म है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ की फर्श भी काफ़ी गर्म हो जाती है, और मैं गुरुद्वारे के अंदर से ही आया हूँ, तो वहाँ गुरुद्वारे के अंदर भी ऐसी जगह है जहाँ पर फर्श बहुत ज़्यादा गर्म है, और वहाँ पर पैर रखना भी बहुत देर तक एक मुश्किल काम है। तो हम वहाँ से जल्दी जल्दी निकल कर आए हैं, और यहाँ मंदिर के गेट तक यहाँ एंट्री करी है हमने।
तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि यहाँ पे तप्त कुंड है जिसमें लोग चावल पकाते हैं, तो आप यहाँ पे कुछ बर्तन देख पा रहे हैं, इन सब में चावल हैं जिसे ऊपर से बंद करके रखा हुआ है, अभी ढक्कन बंद करके रखा हुआ है, थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ा हुआ है। तो ये चावल जनरली प्रसाद के रूप में यूज़ होता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपने घर से चावल ला सकते हैं, यहाँ बाहर दुकानों पे भी मिल जाता है, जो कि आप पोटली में थोड़ी देर के लिए यहाँ रख दें तो वो चावल पक जाते हैं और आप इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। यहाँ पे कुंड के पास में ही एक भगवान शंकर की प्रतिमा है जो कि बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही रुद्र रूप उनका दिखाती है ये। और ये है मंदिर का परिसर जिसकी मैंने अभी बात की थी और थोड़ी देर पहले हम उसके पीछे का हिस्सा देख रहे थे। तो ये मंदिर का मेन परिसर है जिसका शिखर काफ़ी ऊंचा है, बाहर नंदी महाराज की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है और अंदर महादेव विराजमान है। शिवाय। तो अब यहाँ से हम निकलते हैं खीर गंगा की तरफ, जो कि यहाँ से तकरीब 30 से 40 मिनट की दूरी पे है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ऊपर गए और वहाँ से हमने ली एक कार जिसका रेंट था तकरीब 1,000 रुपया और जिसने हमें 40 मिनट में बरशैनी तक पहुँचा दिया। बरशैनी के बाद हम करने वाले हैं पैदल ट्रैक, तो आपको दिखाते हैं, बने रहिए हमारे वीडियो में। और अगर आपको हमारा कंटेंट दिया हुआ पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ये देखिए, हम खीर गंगा के लिए अभी स्टार्ट कर चुके हैं यहाँ से बरसैनी से। और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अभी का नज़ारा देखिए आप, सुबह का टाइम है, नीचे बहती हुई है नदी, सूरज ऐसा निकला हुआ है अभी यहाँ पे। जहाँ तक सूरज निकला रहता है वहाँ तक चलने में कोई खास समस्या नहीं होती है, क्योंकि उस वक्त ठंड थोड़ा कम लगता है, लेकिन जब एक पहाड़ी की छांव वाले हिस्से में चल रहे होते हैं उस वक्त ज़्यादा ठंड लगती है। ये रास्ते में पूछते बनता भी है खीर गंगा के लिए, भैया यही है ये रास्ते में पूछते रहना चाहिए ऐसे रास्ता, क्योंकि रास्ता भटकने की भी टेंशन यहाँ रहती है थोड़ी। अभी थोड़ा सा स्टीप है लेकिन ये स्टीपनेस ज्यादा देर का नहीं है, उसके बाद थोड़ा इजी है। तो अभी देख रहे हैं, थोड़ा सा स्टीप दिख रहा होगा आपको रास्ता, लेकिन यहाँ कुछ लोग बता रहे थे कि इसके बाद स्टीपनेस खत्म हो जाती है और थोड़ा नॉर्मल रास्ता ही है उसके बाद। आप यहां से देखिए नदी का वो व्यू जो मैं आपको बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, वो सामने डैम है एक्चुअली, हम उस डैम के पास से ही आए हैं। और अब ये देखिए आप, एक शानदार नजारा सामने ऊपर पहाड़ों पे गांव। थोड़ा सा ज़ूम करने की कोशिश करता हूँ मैं, अब देखिए ये गाँव, वैसे तो थोड़ा दूर है लेकिन कोई नहीं। तो जैसा आप नीचे देख पा रहे हैं नदी बहती हुई, इस नदी का नाम है पार्वती रिवर,
जिसके ट्रैक के लिए भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं। अगर आपको इसकी वीडियो की जानकारी चाहिए तो मैं एक नई वीडियो बना दूंगा, आप हमें कमेंट करके बताएं। तो अभी हम इस रिवर को क्रॉस करने वाले हैं। नीचे एक पुल है, लोहे का पुल है, जिसे हम क्रॉस करके दूसरी साइड जाएंगे और वहाँ से ट्रैक करेंगे। इस ट्रैक को करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको पहले ही बता दूँ, आप इस पूरे रास्ते पर जब जाएँगे तो यहाँ जगह जगह मार्क लगे हुए हैं, तो कृपया उस मार्क को देखते हुए ही जाएँ और रास्ता ना भटके, क्योंकि इस जंगल में रास्ता भटकने के बहुत चांसेस हैं। क्योंकि यहाँ पे आसपास में गांव नहीं मिलेंगे आपको, अभी बरसैनी में एक गांव मिलेगा, इसके बाद एक गांव मिलेगा और फिर सीधा आप पहुँच जाएंगे खीर गंगा की तरफ। तो बीच में आप लोगों से पूछते हुए जाएं या फिर आप मार्ग देखते हुए जाएं जिस गांव से भी गुजरें। तो हमारे इस ट्रैक में पहला विलेज जो है वो नाथन विलेज पड़ेगा, और उसके बाद जो पहला माइलस्टोन होगा वो रुद्रनाग टेम्पल। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो है रुद्रनाग टेम्पल की। यहाँ पे आप ये वाटरफॉल देख लीजिए, पानी ऐसा लग रहा है जैसे दूध की नदी बह रही हो यहाँ पे, और उतना ही स्वच्छ और साफ़ पानी है। यहाँ का एक बोर्ड लगा रखा है रुद्रनाग टेम्पल का, और ये रुद्रनाग टेम्पल की जगह है जैसा आप देख पा रहे हैं। ये रुद्रनाग टेम्पल तकरीब अगर बात करें तो ये आधा रास्ता हो गया हमारा, और लगभग इतना ही समय हमें बच गया मंदिर तक पहुँचने के लिए। तो मैं अपनी एक नई वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं पूरी खीर गंगा की जानकारी देने वाला हूं और ट्रैक की डिफ़िकल्टीज और ईच पॉइंट कवर करूंगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।